एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोड फ्लो स्टडी करेंगे। तो लोड फ्लो स्टडी भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज जो गेट के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है उसी पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हम इसमें पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट डाल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम गेट वाले जो पैरामीटर्स हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, गॉस सीडल मेथड हो गया, ठीक है। तो वो मेथड जो होते हैं उसका आपको एल्गोरिथम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट में वो चीज़ें नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन मैं बाद में वो चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी समय की कमी है, ठीक है। समय की कमी को देखते हुए हम सिर्फ गेट वाला पार्ट ही इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो बाद में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर बीटेक वगैरह अगर आप कर रही हो तो आपको उसमें हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, तो लोड फ्लो स्टडी हम क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये आता है कि लोड फ्लो स्टडी हमारी क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो लोड फ्लो स्टडी होती है इसके अंदर थ्री स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं राजी? पहले नंबर पे आपके पास नेटवर्क मॉडलिंग होती है, नेटवर्क मॉडलिंग, ठीक है। नेटवर्क मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट रहता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मीनिंग है, इसके अंदर इक्वेशंस रहती हैं, ठीक है, जिसके साथ हम क्या क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, ओके। तीसरा आपके पास पार्ट रहता है सॉल्यूशन स्टेज, ठीक है। लास्ट में आपको क्या मिल जाता है जी, सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज नोट करके लिख लो भाई, एक पॉइंट आप नोट करके लिखिए। पहला पॉइंट, स्टेडी स्टेट फॉर फॉर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इसके लिए हम अलजबरी की इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी इक्वेशन राजे? अलजबरी की इक्वेशन, राइट। और जो आपके पास डायनामिक स्टडी होती है, फॉर डायनामिक स्टडी, उसके अंदर आज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, ठीक है। जैसे हमने स्विंग इक्वेशन देखा था ना, रोटर की स्टडी थी वो, उसके अंदर हमारी थी स्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपकी लोड फ्लो स्टडी है राजी, जो आपकी लोड फ्लो स्टडी है इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट स्टडी, स्टेडी स्टेट स्टडी। तो यहाँ पे स्टडी लिखी है भाई, मैंने गलती से स्टेबिलिटी लिख दिया, ठीक है इतनी बात। तो ये पॉइंट आपके भाई इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहने वाली है, एल्जेब्रिक इक्वेशन यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो लोड फ्लो स्टडी में क्या होता है कि आप किसी भी बस के ऊपर वोल्टेज, ठीक है, आपके पास चार पैरामीटर होते हैं राजी, पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और वोल्टेज का एंगल, ठीक है। तो ये जो चार पैरामीटर होते हैं किसी भी बस पे कैलकुलेट करने के लिए हमें आपकी जो लोड फ्लो स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो लोड फ्लो स्टडी इसके अंदर हम और भी ये चीज़ बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, पूरा जो पावर सिस्टम होता है जी वो कनेक्टेड होता है, इंटर कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा राजस्थान के साथ भी कनेक्टेड है, पंजाब हो गया है ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे किसी मान लीजिए स्टेट में पावर की डेफिशिएंसी आती है तो वो क्या करते हैं, पूरा जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है हम किसी और स्टेट से पावर ले सकते हैं, ठीक है, उसको पूल बोलते हैं। पूल में क्या होता है, जितनी भी जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, जितनी भी यूटिलिटीज होती हैं, यूटिलिटी होती है जो पावर बेचती है, ठीक है, जो पावर को बनाकर सेल करता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे पंजाब में यूटिलिटी कौन है, PSPCL है, राइट। ऐसे ही आपकी सभी यूटिलिटीज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, उसको मिलके एक पूल बन जाता है। जिस स्टेट में पावर ज्यादा होती है वो जिस स्टेट में पावर की कमी होती है उसको दे देता है, ठीक है। वो सारी चीज लेन देन का जो काम होता है वो डिपेंड करता है आपकी लोड फ्लो स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो लोड फ्लो स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भाई आप लिख सकते हो, तो लिखिए लोड फ्लो स्टडी आर नेसेसरी फॉर प्लानिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन
कॉमा शेड्यूलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन यूटिलिटीज। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ पावर हो गया, उसकी प्लानिंग, उसकी शेड्यूलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं राजे, लोड फ्लो स्टडी की हेल्प से ही हम आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसके साथ आपकी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनामिक स्टेबिलिटी, कंटनजेंसी, ठीक है, और ये सब चीजें हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है जी, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पावर सिस्टम के अंदर हमारे चार पैरामीटर रहेंगे, पी, क्यू, वी और डेल्टा। ठीक है, पी इज एक्टिव पावर, क्यू इज रिएक्टिव पावर, वी इज वोल्टेज एंड डेल्टा इज द एंगल। ठीक है, लोड एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास वही रहेंगी, और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें क्या होता है कि दो क्वांटिटीज आपके पास गिवन होगी। ठीक है, दो क्वांटिटीज क्या होगी आपके पास गिवन होगी, और दो को आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक हम डालते हैं बस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए राजे बस क्लासिफिकेशन, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, अगर मैं गेट की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास चार पैरामीटर थे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और एंगल। ठीक है, और जो आपकी एक्टिव पावर होती है राजे, आपने स्टेबिलिटी में देखा था एक्टिव पावर इज कंट्रोल्ड बाय डेल्टा। ठीक है, पी क्या था राजे, ई वी डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को वेरी करिए, आप अपनी एक्टिव पावर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो आप वेरी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वो हम बताएंगे जब आपके पास हम चैप्टर स्टडी करेंगे वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, वो हम रिएक्टिव पावर के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे इन डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जानिए कि आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, जो एक्टिव पावर है वो आपके पास डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पे डिपेंड करती है, डेल्टा इज द लोड एंगल। राइट हुई इतनी बात, बोलो जी, यहाँ तक ओके हुआ? तो इन पावर सिस्टम आपके पास चार क्वांटिटीज होंगी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और डेल्टा, जिसमें से आपके पास क्या होगा, दो चीजें गिवन होंगी, दो को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्टिव पावर जो होगी आपकी डिपेंड करेगी डेल्टा के ऊपर, रिएक्टिव पावर आपकी डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक? बोलो, अगर कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे भाई, चलिए। तो नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बस क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस में देखते हैं, आपके पास दो क्वांटिटीज होगी और दो क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी जो बस है आपके पास, दैट योर स्लैक बस, स्लैक बस भी इसको बोलते हैं राजे, और इसको स्विंग बस भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस बस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राजे रेफरेंस बस। ठीक है, तो ये जो आपकी स्लैक बस होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर चार क्वांटिटी है, इसके अंदर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको गिवन होता है राजे, और आपके पास जो डेल्टा होता है, ये दोनों गिवन होती हैं, दीज आर द नॉन क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज, और इसके लिए दो दो बच कौन सी गई, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये क्या होती है अननोन, ये हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अननोन इन केस ऑफ स्लैक बस। ठीक है, तो जो आपकी स्लैक बस होती है राजे, दैट इज नथिंग बट द जनरेटर बस। ठीक है, जो आपकी एक जनरेटर बस है उसी को हम क्या ले लेते हैं, स्लैक बस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये चीज पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, वन ऑफ द जनरेटर बस इज कंसिडर एज अ स्लैक बस और स्विंग बस। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर स्लैक बस गिवन है तो ओके है, अदरवाइज जो आपकी जनरेटर बस होगी उसको हम स्लैक बस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और जो आपकी स्लैक बस होती है, दैट आर यूज टू सप्लाई द लॉसेस। ठीक है, जो जितने भी आपके लाइन के अंदर लॉसेस होते हैं
उसको फीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं राजे, स्लैक बस। ठीक है, क्या यूज करते हैं राजे, स्लैक बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक बस है, ये बस सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं इसकी स्ट्रक्चर को जो बना के दे रहा हूँ, जो पावर आपके पास फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप डायग्राम को कंप्लीट करिए। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से समझते जाना है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है मान लीजिए PZ, मान लीजिए बस नंबर 1 है, ये 2 बस है, ये बस नंबर सपोज 3 है। ठीक है, और तीनों बस के ऊपर मान लीजिए जनरेटर आपके पास लगा हुआ है। भाई यहाँ पे भी एक जनरेटर है और यहाँ पे भी आपके पास एक जनरेटर है। ठीक है, मान लीजिए इसके लाइन के ऊपर जो लोड कनेक्टेड है वो 5 मेगावाट का कनेक्टेड है। ठीक है, इस लाइन पे मान लीजिए लोड कनेक्टेड है सपोज 10 मेगावाट। ठीक है, बताते हैं आपको क्या मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे पावर कौन सी जा रही है, PZ1 जा रही है। ठीक है, इस लाइन में जो पावर है दैट इज 2 मेगावाट, करेक्ट हुई इतनी बात। इसमें लाइन में जो जा रही है दैट इज 2 मेगावाट, सपोज इसमें जा रहा है 1 मेगावाट। ठीक हुई इतनी बात। अब मान लीजिए ये जो जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये 5 मेगावाट पावर फीड कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 मेगावाट पावर को फीड कर रहा है। समझ रहे मेरी बात, यहाँ तक ओके हो गया भाई। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसी इसी की एग्जांपल लूँ, ठीक है, सपोज ये मेरे पास तीन जनरेटर है, एक बस को तो हम क्या ले लेंगे राजे, रेफरेंस बस मीन स्लैक बस। मोस्टली हम जो बस नंबर 1 होती है उसको क्या लेते हैं राजे, स्लैक बस लेते हैं। ठीक है, और ये 10 मेगावाट है, इसने 10 मेगावाट पैदा किया और इसी के ऊपर 10 मेगावाट भाई लोड कनेक्टेड है, इसका मतलब ये इसी को फीड कर देगा। ऐसे ही ये 5 मेगावाट पावर जनरेट की और ये लोड को 5 मेगावाट फीड कर दी। ठीक है, लेकिन जो लाइन के अंदर है, ये जो पावर लाइन के अंदर 2 मेगावाट, 2 मेगावाट और 1 मेगावाट, दीज आर द लॉसेस। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखा रखी है, दीज आर द ट्रांसमिशन लॉसेस। ठीक है, अब टोटल लोड कितना कनेक्टेड था राजे, मेरे पास लोड था 10 प्लस 5 15 मेगावाट। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास 3 जनरेटर थे। ठीक है, एक को मैंने स्लैक ले लिया, तो बाकी बचे दो, दो और तीन मेरे कौन से बच जाएंगे राजे, जनरेटर बस बच जाएंगी। ठीक है, आगे बताऊंगा इसको, जनरेटर बस बोलेंगी। और दो नंबर आपके पास जो पावर पैदा कर रहा है दैट इज 10 मेगावाट, 3 नंबर जो पैदा कर रहा है दैट इज 5 मेगावाट। ठीक है, ये दोनों जितनी आपकी डिमांड है उसको तो कंपनसेट कर देंगे, मीन्स जितनी डिमांड है उतनी ये जनरेशन कर देंगे, लेकिन लोड को फीड करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से गुजरना होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी क्या होंगे राजे, लॉसेस। ठीक है, तो लॉसेस टोटल कितने हो रहे हैं, 2 2 प्लस 2 प्लस 1 5। इसका मतलब जितने लॉसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन प्रोवाइड कर देगा, आपका स्लैक बस। ठीक है, इसका मतलब 5 मेगावाट जो पावर है वो कौन जनरेट करेगा राजे, बोलो जी, दैट इज जनरेटर बाय द, बोलो दैट इज जनरेटर बाय द स्लैक बस। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार जो आपके पास यहाँ पे देखो जनरेटर 2 की तो 10 मेगावाट पावर आ गई, बस नंबर 3 जो जनरेटर नंबर 3 है इसकी भी 5 आ गई। अगर मान लीजिए लॉसेस बढ़ते और ज्यादा सॉरी बढ़ते और कम हो रहे हैं, वो सारे के सारा कौन झेलेगा, आपके पास यूर स्लैक बस। इसीलिए इस बस को क्या बोलते हैं राजी, स्विंग बस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया कि आपके पास जो स्लैक बस होती है जनरेटर बस ही होती है, इसको रेफरेंस बस भी बोल देती है, ये बस सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को फीड करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ लॉसेस सिर्फ आपकी स्लैक बस ही बनाएगी, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये चीज बना दी है। ठीक है, क्योंकि लॉसेस तो आपके सभी बस जो जितने भी जनरेटर लगे होंगे, जितने मान लीजिए 5 मेगावाट लॉसेस हो रहे हैं, तो 5 मेगावाट को तीनों जनरेटर अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि बाकी बसेस की जो पावर है उसको हमने फिक्स कर दिया, जो भी पावर लॉसेस कम और ज्यादा हो रहेंगे वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करेंगे, स्लैक बस। ठीक है, तो लॉसेस के लिए हमने अलग एक बस निकाल दी, दैट इज योर स्लैक बस। जहां तक समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल जनरेशन आपके प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए, जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू डिमांड, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरेशन कितनी है यहाँ पे, PZ1 है प्लस 10 प्लस 5, और डिमांड कितनी है राजे, 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो जे और जे तो कैंसिल हो जाएंगे राजे, तो PZ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मेगावाट। ठीक है, तो स्लैक बस की जो रिक्वायरमेंट होगी पावर की दैट इज 5 मेगावाट, इतनी पावर वो फीड करेगा। समझ रहे मेरी बात, तो कुछ पॉइंट्स है भाई, वन बाय वन हम लिखते हैं,
तो लिखते चलिए, पहला पॉइंट इसके अंदर स्लैक बस के अंदर टू सप्लाई एक्स्ट्रा पावर लॉस इन पावर सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे राजे, बोलो बोलो। वन बस इज नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी है बोलो जी, टू फीड द एक्स्ट्रा पावर लॉस। ठीक है, दिस बस इज कॉल्ड स्लैक बस, उसी को राजे हम क्या बोलेंगे राजे, स्लैक बस बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, एज इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पावर स्विंग, मान लीजिए आप लॉसेज कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रही हैं, उसको आपकी स्लैक बस ही कंसीडर करेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पावर स्विंग दिस बस इज कॉल्ड, सो दैट्स व्हाई दिस बस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इस बस को राजी, स्विंग बस। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राजी स्विंग बस, लिख लीजिए इस चीज को। ठीक है, यहां तक ओके हुआ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एवरी पावर सिस्टम वन स्लैक बस इज नेसेसरी। ठीक है, हर एक पावर सिस्टम में ये एक स्लैक बस होनी जरूरी है। इफ द स्लैक बस इज नॉट, मान लीजिए आपके पास एक कोई भी स्लैक बस स्पेसिफाइड नहीं है सिस्टम के अंदर, तो हमने क्या बताया था, इज नॉट स्पेसिफाइड देन वन ऑफ द जनरेटर बस टेकन एज रेफरेंस बस। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास जनरेटर बस हाईएस्ट रेटिंग की होती है उसको हम जनरली लेके चलते हैं आपकी, क्या बोलो जी, स्लैक बस। ठीक है, तो लिखिए, जनरली द हाईएस्ट रेटर जनरेटर टेकन एज रेफरेंस बस। ठीक है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बस नंबर वन इज टेकन एज रेफरेंस बस, जहां तक ओके हुआ। मान लीजिए मेरे पास अब एक और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक पावर सिस्टम है, राइट। ठीक है, दो नेटवर्क यहां पे गिवन है, सपोज ऐसा करिए मैं ऐसे बना देता हूँ, सपोज दो नेटवर्क गिवन है। ठीक है, एक नेटवर्क ये है, मान लीजिए दो गांव हैं, ठीक है, दो गांव आपके पास ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो ये नंबर वन लगा लीजिए, ये नंबर टू लगा लीजिए। ठीक है, अगर मुझे बात सुनाइए, अगर इसका पावर लॉसेज गिवन है मेरे पास, ठीक है, इसके भी पावर लॉसेज गिवन है, इसके भी पावर लॉसेज गिवन है। ठीक है, अगर लॉसेज गिवन है तो मुझे एक स्लैक बस चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों को जैसे कनेक्ट हो गया, ये एक सिस्टम बन जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, दोनों से मिलके एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल के लॉसेज मुझे गिवन है, मतलब मुझे पता चल जाएगा अगर यहाँ पे 3 मेगावाट है, यहाँ पे मान लीजिए 2 मेगावाट है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल लॉसेज मुझे पता चल गए ना 5 मेगावाट, तो हम बता देंगे कि मुझे 5 मेगावाट वाला जनरेटर को एज ए स्लैक कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का लॉसेज मुझे नहीं पता, ना इसका लॉस मुझे गिवन है ना इसका लॉसेज गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लॉसेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता मैं कितनी कैपेसिटी का स्लैक बस लूँ, तो उस केस में मुझे इस नेटवर्क के अलग स्लैक लेना पड़ेगा, इस नेटवर्क का अलग स्लैक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दो सेपरेट स्लैक बस चाहिए होंगी। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए भाई, लिखिए, इफ टू पावर सिस्टम नेटवर्क, इफ टू पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है, आर कनेक्टेड एंड
ट्रांसमिशन डाटा अननोन। अगर ट्रांसमिशन डाटा अननोन है तो क्या होगा, टू सेपरेट स्लैक बस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे लिखिए, इफ ट्रांसमिशन डाटा इज गिवन, अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन डाटा गिवन है राजी उस केस में, देन ओनली बोलो जी वन स्लैक बस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस केस में मुझे एक स्लैक बस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, बोलो यहां तक ओके हो जाएगा। देखो अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके थे विद द हेल्प ऑफ बोलो बोलो विद द पॉइंट्स रिलेटेड टू योर स्लैक बस। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली की बात करूं, एक पॉइंट ये भी नोट कर लो, प्रैक्टिकली नो स्लैक बस एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया भाई। बोलो तो स्लैक बस के अंदर आपके पास क्या होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डेल्टा स्पेसिफाइड होते हैं, और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर मुझे कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, आगे सुनिए, नेक्स्ट टाइप की बस सुनिए, जनरेटर बस। नंबर टू इज जनरेटर बस, और इसी को हम क्या बोल देते हैं राजे, और इसी को बोल देते हैं राजे पीवी बस। ठीक है, और इसी को कई बार नाम दे देते हैं वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ठीक है, देखिए अब सुनिए आगे ध्यान से, आप मुझे एक चीज बताइए, जो जनरेटर बस होती है इसके ऊपर आपकी एक्टिव पावर और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज क्या होता है, नॉन होता है। ठीक है, मीन्स स्पेसिफाइड होता है, नॉन क्वांटिटीज। बाकी दो कौन सी बच गई, वो अननोन हो जाएगी। कौन कौन सी बच गई, एक तो रिएक्टिव पावर, एक क्या बच गया डेल्टा, दीज आर द अननोन्स, दीज आर अननोन्स। ठीक है, ये मेरे पास अननोन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भाई आपके पास होती है जनरेटर बस, इसी को क्या बोलते हैं पीवी बस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ठीक हुई इतनी बात, तो एक्टिव पावर और वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है, और क्यू और डेल्टा आपका वेरिएबल होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी आपके पास। तीसरी आपके पास बस आपके पास रहती है राजी, दैट इज योर लोड बस, लोड बस, और इसी को बोलते हैं पी क्यू बस। ठीक है, और क्या बोलते हैं पी क्यू बस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर गिवन होते हैं, मींस पी और क्यू आपके पास नॉन क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी नॉन नॉन क्वांटिटीज, और जो वोल्टेज और डेल्टा होती हैं दैट इज अननोन क्वांटिटी। ठीक है इतनी बात, और इसके अंदर जो आपके पास रिएक्टिव पावर की जो लिमिट होती है राजे, क्यू जी जो जनरेटर रिएक्टिव पावर है, दैट मस्ट बी लाई बिटवीन क्यू जी मिनिमम और क्यू जी मैक्सिमम। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो इसका मीनिंग क्या होगा, आपकी जो रिएक्टिव पावर है क्यू जी मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए और क्यू जी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों। ठीक है, उसका रीजन भाई आपको बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इफ इफ मान लीजिए जनरेटर आपके पास रिएक्टिव पावर मोर देन क्यू मैक्स अगर हो जाती है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे फॉर्मूला जो रिएक्टिव पावर का होता है जी। ठीक है, रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर रिएक्टिव पावर मेरी वेरी वेरी हायर होगी, अगर एक्टिव पावर मेरा हायर हो गया, इसका मतलब जो वोल्टेज वी है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू वोल्टेज रेटेड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसके साथ मेरी इंसुलेशन डैमेज हो सकती है, देन इंसुलेशन बिल में ब्रेक।
ठीक है, यहाँ पे लिखो देन इंसुलेशन बिल में ब्रेक, करेक्ट हुई इतनी बात। अगर मेरी क्यूजी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ऐसे ही अगर मिनिमम हो जाए, ठीक है, इफ अगला पॉइंट लिखिए, अगर क्यूजी लेस देन हो जाए क्यूजी मिनिमम से, तो क्या होगा, जो मेरी वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट इज वेरी वेरी लेस देन हो जाएगी एज कंपेरिजन टू वी रेटेड। बोलो जी, ऐसा ही होगा। और आपको ये भी क्लियर है, जो मेरे पास एक्टिव पावर होती है दैट इज इक्वल टू अंडरूट 3 VI इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई अंडरूट 3 V इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। और आपको पता है फॉर अ कॉन्स्टेंट पावर, अगर वोल्टेज मेरा वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा तो उस केस में राजे मेरा करंट क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, I²R लॉसेज क्या हो जाएंगे, वेरी वेरी लार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हीटिंग, ठीक है। एंड दिस कॉज एंड दिस हीटिंग, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो क्या करेगा, मे कॉज इंसुलेशन फेलियर, उसके साथ भी आपका इंसुलेशन का फेलियर हो जाएगा, ठीक है, इंसुलेशन फेलियर। इसीलिए हम बोलते हैं आपकी जो जनरेटर एक्टिव पावर है वो इस रेंज में रहनी चाहिए, ठीक है। अगर सपोज इन केस आपने जो क्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्यू मैक्स से ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए, इफ क्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, वो क्या की मोर देन क्यू मैक्स, तो उस केस में राजे आपने क्या करना है, जो आपकी क्यू होगी वो फिक्स हो जाएगी क्यू मैक्स, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब मैक्सिमम क्या लेनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अगर इफ क्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे थे अगर वो लेस देन आ जाए क्यू मिनिमम से, तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू ही कंसिडर कर लेंगे, तो क्यू को हम उससे मिनिमम नहीं जाएंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट भाई आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर क्यू मिनिमम आ गया और क्यू मैक्सिमम आ गया, इसका मतलब इस बस के ऊपर क्यू की वैल्यू तो स्पेसिफाइड होगी ना, ठीक है, ये थी आपके पास क्यू की वैल्यू तो स्पेसिफाइड हो जाएगी ना, ये हम सारा कुछ कर रहे हैं इन केस ऑफ, बोलो जी, इन केस ऑफ, बोलो किसके लिए कर रहे हैं भाई, बोलो, ये हम पीवी बस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ लोड बस, ठीक है, ये रेंज में रहना चाहिए, ये तो हमने देख लिया। अब इन केस ऑफ, यहाँ पे लिख लो इन केस ऑफ पीवी बस, ये पीवी बस के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पीवी बस के अंदर अगर ये सारी चीजें आपकी वायलेट करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिनिमम से कम होगी तो बोलो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, क्यू मिनिमम ले लेंगे, अगर मैक्सिमम से ज्यादा है तो क्यू मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है, यहां तक ओके हुआ। इसका मतलब इन केस ऑफ पीवी बस अगर ये कंडीशन आपके पास आएगी, क्योंकि कैलकुलेट तो हम पीवी बस के लिए करेंगे ना, पीक्यू बस में तो क्यू आपको गिवन ही होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो मेरे पास क्यू जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, बोलो, फिक्स्ड एट पीवी बस। इसका मतलब अगर क्यू फिक्स हो गया तो जो आपकी पीवी बस होगी राजे, पीवी बस इज कन्वर्टेड इंटू हाँ जी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कन्वर्टेड इंटू पी क्यू बस, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्यू आपका वायलेट करेगा उस कंडीशन को तो क्यू उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, या तो क्यू मिनिमम होगा या क्यू मैक्सिमम होगा, उस केस में आपकी जो पीवी बस होगी वो किस केस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी क्यू बस, अगर क्यू कैलकुलेटेड मोर देन क्यू मैक्स होगा या क्यू कैलकुलेटेड आपका लेस देन क्यू मिनिमम आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये चीज होगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर आपकी इस रेंज में ही रहनी चाहिए, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आपके पास होती है एक वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, ठीक है। तो जितनी भी वोल्टेज कंट्रोल्ड बस होती है राजे, दैट इज सिमिलर टू पीवी बस, ठीक है। तो आपके पास जो आपके पास इस टाइप की बसेस गिवन होगी वो सभी को सभी आपने पीवी बस में कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है भाई, पीवी बसेस, ठीक है,
बट नो जनरेटर, इनके ऊपर कोई भी जनरेटर नहीं लगा होता, ठीक है। तो क्या लगा होता है इसके ऊपर, क्योंकि जैसे कैपेसिटर लगा दिया, वो भी क्या रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, ठीक है, मीन वो बस की तरह ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है SBC बस, ठीक है, या फिर शंट कैपेसिटर बस, ठीक है, या फिर आपके पास रिएक्टिव पावर कंपनसेटर लिखा हो, ठीक है, रिएक्टिव पावर कंपनसेटर, ठीक है, विल बी प्लेस्ड, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो, उसको भी आपने PV बस की तरह ही उसको कंसीडर करना है, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास पावर को बोल दे जीरो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि पावर जीरो मिल गया ना, और वोल्टेज भी आपको मिल गया, ठीक है, और Q आपके पास मान लीजिए उसके अंदर वेरिएबल है, QS के आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी Q और डेल्टा, ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल है, वो भी क्या होगी, PV बस होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लिखा हो सकता है SBC रेटिंग विल बी डिजाइंड बाय कीपिंग V एज कॉन्स्टेंट, टू रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है, द रिएक्टिव पावर एट एंड ऑफ लोड लोड फ्लो विल बी रेटिंग ऑफ SBC, ठीक है। इन सभी को हम किस में लेके चलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज कंट्रोल बस में कौन सा आएगा, PV बस, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे लिख दिया फिक्स्ड शंट कैपेसिटर और यहां लिख दिया फिक्स्ड फिक्स्ड रिएक्टर, फिक्स शंट रिएक्टर, जब रिएक्टर फिक्स वर्ड लग जाएगा तो इसको आपने कंसीडर करना है PQ बस में, ठीक है, दैट इज कंसीडर इन PQ बस, ठीक है। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, मैं यहाँ पे पूरा कंक्लूजन वही आपको बता रहा हूँ जो आपका गेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो PQ V और डेल्टा थे, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर, वोल्टेज और डेल्टा, ठीक है। वोल्टेज को वेरी कराओ तो रिएक्टिव पावर वेरी हो जाएगी, डेल्टा को वेरी कराओ तो एक्टिव पावर वेरी हो जाएगी, ठीक है। तो वी और डेल्टा आर बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जनरेटर बस की, ठीक है, तो जनरेटर बस के अंदर क्या था, जनरेटर बस में आपने क्या करना है, एक बस को क्या कंसिडर करना है, स्लैक ले लेना है, बाकी बसेस क्या बच जाएंगी, अदर आर PV बस, ठीक है। तो PV बस के अंदर और कौन सी बसेस जाएंगी आपकी, वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल बस कौन कौन सी होंगी राजे, कोई जे आ जाए, इनमें से कोई भी चीज लिखी आ जाए उसको हम PV बस में लेंगे, ठीक है। बस ये चीज नहीं होनी चाहिए, फिक्स वर्ड, अगर फिक्स वर्ड है वो किस में जाएगा, PQ बस में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो आपके पास टोटल मान लीजिए एन जनरेटर बस गिवन है, ठीक है, टोटल जनरेटर बस मान लीजिए मेरे पास एन है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लैक बस कितनी, एक तो स्लैक बस ले लेंगे, स्लैक बस हम ले लेंगे 1, तो PV बसेस कितनी रहेंगी इसके अंदर, N-1, ठीक है, टोटल PV बस कितनी रहेंगी, N-1। इसका मतलब जो आपके पास जनरेटर बस है विच इज इक्वल टू स्लैक बस प्लस PV बसेस, ठीक है, उनका सम किसके इक्वल आएगा, जनरेटर बस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं जनरेटर बस की बात करूं, यहाँ पे पावर और वोल्टेज गिवन होता है, इसका मतलब अननोन कौन सा है भाई, रिएक्टिव पावर और डेल्टा, मींस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेल्टा है, ठीक है, मींस 1 वेरिएबल है आपके किसके अंदर, PV बस के अंदर, ठीक है, 1 वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स आपका कहाँ पे यूज होता है राजे, न्यूटन रैप्सन के अंदर, ठीक है। गेट में क्वेश्चन आएगा कि साइज बताओ भाई जैकोबियन मैट्रिक्स का, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, बस वो चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सेकंड वन आपका आ गया भाई लोड बस, लोड बस आप बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हो,
पी क्यू बस बोल सकते हैं, ठीक है जी। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब जो आपके पास पी क्यू बस होगी उसके अंदर आपने क्या क्या लेना है, जो लोड बस गिवन होगी वो कंसिडर कर लेनी है, या फिर आपके पास बोल देगा फिक्स्ड, हाँ जी, शंट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स होगी ना राजे, इसका मतलब आपके पास वो रिएक्टिव पावर की कंपनसेशन के लिए यूज करेंगे, मीन्स वो फिक्स आपके पास क्यू देगा, ठीक है। तो फिक्स क्यू देने का मतलब क्या, उसके ऊपर क्यू की वैल्यू फिक्स होगी है, ठीक है। फिक्स शंट कैपेसिटर भी हो सकता है और रिएक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इनको हम कंसिडर किस में करेंगे राजे, पी क्यू बस के अंदर, ठीक है। ओके हो गया भाई यहाँ पे। और अगर मैं इसमें वेरिएबल की बात करूँ, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और जो डेल्टा है दोनों वेरिएबल हैं, और ये दोनों ही एक्चुअल में वेरिएबल है ना जी, तो इसका अंदर इसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे, टू वेरिएबल, ठीक है। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट का पॉइंट ही लिख रहे हो भाई। तो तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन आपके पास भाई, आपके पास क्वेश्चन में आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। वो आपके पास होता है पी क्यू बसेस के अंदर वेरिएबल कितने हैं, दो, तो गुना दो से एक साथ करेंगे, और क्या प्लस पी वी बस, उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, ठीक है। जे इसका साइज हो जाएगा राजी, ठीक है, इनटू टू पी क्यू प्लस पी वी, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको एक एक बात आपको बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, करेक्ट हो इतनी बात। पी क्यू बस कैलकुलेट कर लो, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो उसके अंदर पी वी बस, ठीक है। पी वी बस जनरेटर बस गिवन होंगी, जनरेटर बस से एक स्लैक बस ले लो, अगर नहीं गिवन तो बाकी सभी क्या हो जाएंगी, आपकी पी वी बस हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मैंने आपको बताया आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस, ठीक है। एक सच एक दो पॉइंट आप और नोट कर लीजिए भाई, जो आपके इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर फोर, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम है, मैं एक बस सिस्टम की ही एग्जांपल आपके पास ले लेता हूँ भाई। उस बस सिस्टम के अंदर क्या है, मान लीजिए जहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए आइथ बस है, कौन सी बस है राजी, आइथ बस है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए लोड लगा हुआ है, वो इस टाइप का लगा हुआ है, एस डी आई डिमांड, विच इज इक्वल टू पी डी आई डिमांड एक्टिव पावर प्लस जे क्यू डी आई। आई किसको डिनोट कर रहा है राइट, आइथ बस को, ठीक है। और आइथ बस पे ही एक जनरेटर लगा हुआ है जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। अपारेंट पावर एस जी आई हो गया, विच इज इक्वल टू पी जी आई प्लस जे क्यू जी आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन मुझे लिखनी है, ठीक है। तो बताइए भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका इक्वेशन ये होगा राजे, जितनी जनरेशन है, जहाँ आप बोलिए इसके ऊपर कितनी अपारेंट पावर होगी, ठीक है, अपारेंट पावर एट आइथ बस, लिखो भाई अपारेंट पावर एट आइथ बस, ठीक है। तो उसको मैं एस आई बोल दूं, तो एस आई क्या होगी, जितनी जनरेशन है उसमें से माइनस कर देंगे राजे कितनी डिमांड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 10 आई और लोड मान लीजिए मेरे पास 7 है, इसका मतलब इस बस के ऊपर जो रिमेनिंग आपके पास पावर बचेगी दैट इज 3, ठीक है। 3 आप फर्दर किसी और जगह भेज सकते हो, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूँ, एक्टिव पावर कितनी होगी एट आई थ बस, आप एक्टिव पावर जनरेशन निकाल दो और कितनी डिमांड है वो निकाल दो, ठीक है। अगर रिएक्टिव पावर की बात करूँ तो रिएक्टिव पावर जनरेट कितनी की और रिएक्टिव पावर आपने लोड को कितनी दे दी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ऐसे एरो लगाकर, जैसे सेम एरो है ना, ऐसे लगा के लिखा होता है 3 + J4, इसका मतलब जो लोड है उसकी जो एक्टिव पावर है वो 3 है और जो रिएक्टिव पावर है जी कितनी है, 4 है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैंने पिछले स्टेबिलिटी के अंदर डिस्कस कर लिए थे भाई, वो भी मैं फिर से आपके पास रिपीट कर रहा हूँ। जो आपकी एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर ये तो हमने प्रूव भी कर लिया था, एक्टिव पावर इज फ्लो फ्रॉम हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर थी वो कैसे जाती है भाई, रिएक्टिव पावर
इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज टू लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो मैंने उसने एग्जांपल भी बताई थी, फिर आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ भाई। मान लीजिए मेरे पास नेटवर्क गिवन है, मान लीजिए मेरे पास नेटवर्क गिवन है, ठीक है। मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री है, ये मान लीजिए 1.2 एंगल ऑफ 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 3 एंगल ऑफ -15 डिग्री है, ठीक है। तो हमने देखना है कि एक्टिव पावर कैसे कैसे जाएगी, ठीक है। देखें भाई, तो सबसे पहले अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं, एक्टिव पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, ये हायर है ये लोअर है, ठीक है। इसका मतलब इधर एक्टिव पावर मेरी ऐसे जाएगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज 2 है, यहाँ पे 1.2 है, इसका मतलब इसमें रिएक्टिव पावर ऐसे जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपने याद रखना है, ठीक है। वोल्टेज 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसमें रिएक्टिव पावर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ, ये 0 डिग्री है, ये -15 डिग्री है, इसका मतलब एक्टिव पावर मेरी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूँ तो हायर वोल्टेज मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पे है, ये क्यू हो जाएगा, तो रिएक्टिव पावर ऐसे जाएगी, एक्टिव पावर आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, उसके अंदर आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिएक्टिव पावर या एक्टिव पावर किधर को जा रही है, ठीक है जी। यहाँ तक ओके हो गया भाई, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना, तो क्वेश्चन बताएंगे किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।